हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं 22 फीट इनटू 28 फीट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ए प्लान 2 BHK हाउस प्लान है। सो फ्रंट साइड में एक कार पार्किंग एरिया प्रोवाइड किया गया है। सो इधर छोटा सा एक ड्राइंग हॉल, इधर ओपन किचन, इधर एक कॉमन टॉयलेट और इधर 2 बेडरूम। सो इस बिल्डिंग का फ्रंट साइड 22 फीट का है और 28 फीट का है, जो कि 616 स्क्वायर फीट का प्लान है। सो इस बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल से प्लिंथ हाइट 2 फीट 6 इंच का है एंड ग्राउंड लेवल से पार्किंग एरिया का हाइट 1 फीट 6 इंच का है। सो इधर मेन एंट्री गेट 8 फीट का है। सो इधर पार्किंग एरिया है, जो कि पार्किंग से स्टेयर भी प्रोवाइड किया गया है। सो इस पार्किंग एरिया का मेजरमेंट इधर 10 फीट 6 इंच का है और इधर 14 फीट 4 इंच का है। सो आप इसी तरह स्टेयर भी कर सकते हैं। सो स्टेयर का विड्थ 3 फीट है, ट्रेड 10 इंच का है एंड राइजर 6 इंच का है। सो इस बिल्डिंग में एंट्री होने के लिए इधर एक डोर प्रोवाइड किया गया है, जो कि इधर से एंट्री होने के बाद अब ड्राइंग हॉल में आएंगे, जो कि इस ड्राइंग हॉल का मेजरमेंट इधर 10 फीट 3 इंच का है और इधर 6 फीट का है। सो इस ड्राइंग हॉल में वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड में 2 विंडो भी प्रोवाइड किए गए हैं और इधर एक छोटा सा ओपन किचन है, जो कि इस ओपन किचन का मेजरमेंट इधर 5 फीट 5 इंच का है और इधर 4 फीट 6 इंच का है। सो इस किचन का वेंटिलेशन के लिए इधर एक विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो उसके बाद इधर कॉमन टॉयलेट है, जो कि इस टॉयलेट का मेजरमेंट इधर 5 फीट है और इधर 6 फीट 5 इंच का है। सो इधर एक बेडरूम है, जो कि इस बेडरूम का मेजरमेंट इधर 10 फीट 3 इंच का है और इधर 9 फीट का है। सो इस बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड में 2 विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो इस रूम के पास में इधर एक मास्टर बेडरूम है, जो कि इस बेडरूम का मेजरमेंट इधर 10 फीट 6 इंच का है और इधर 12 फीट 5 इंच का है। सो इस बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ 2 विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो दोस्तों, आज का प्लान आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। प्लान पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए। सो आप इस प्लान में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह इस प्लान को भी कर सकते हैं। सो इस प्लान को करने के लिए आपको अप्रॉक्स 10 लाख कॉस्ट पड़ेगा। सो चलिए आप देख लेते हैं इस बिल्डिंग का कॉलम लेआउट, कहाँ पे कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं। सो आप देख सकते हैं कॉलम का पोजीशन। सो आप इसी तरह कॉलम लेआउट कर सकते हैं। सो इस बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ कॉलम 10 है। कॉलम का साइज 10 इंच इंटू 10 इंच का है एंड इस बिल्डिंग में ऑल वॉल 5 इंच का है। सो दोस्तों, अब चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। सो मैं इसी तरह हाउस प्लान लेके आऊंगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।